हाँ गाइस, तो डेटिंग में रिसेंटली मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि उसको बोल के बुलाया गया कि 4-5 घंटे हम टाइम स्पेंड करेंगे, ये हुआ है ठीक है। और जब मेरी फ्रेंड गई तो आई थिंक हार्डली 1.5 या 2 घंटे में, लाइक गाइस का ना एक वो होता है, कहीं से भगना हो या कि जल्दी निकलना हो तो कहीं से कॉल आती है, अच्छा ये हो गया, ओहो अभी आता हूँ, इमरजेंसी, ओहो, बस कट लेते हैं वहां से। तो या तो ग्राहक के पास इतने एनर्जी लेवल नहीं है, आप टाइम नहीं दे सकते, तो साफ साफ मुंह पे बोल दीजिए, लड़कों से रिक्वेस्ट है। दोबारा ऐसे लड़कों से मिलना चाहेंगे? बाल कुत्ते खड़े हो? जिसका जिसका टाइमिंग आपसे मैच कर रही है ना, या तो आप पहले से बोले ही ना ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो। आप पहले बोल दे कि हाँ भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, या फिर मेरे पास इतना टाइम है, आपको लगे तो ठीक है, नहीं तो किसी को देख लो यार, सीधी सी बात है, किसी को झूठ बोल के टाइम में सीधे से बेटर कि आप साफ साफ बोल दो, धोखा देने वाली बात है तो। मतलब अब साफ साफ बोल दो ना, ये तो वही हो गया किसी को बोलो कि यार नहीं हम ना 6 कोर्स मील खाएंगे और उसके बाद क्या कि आप स्टार्टर भी स्टार्टर से पेट भर गया मेरा, तो ये वो वाली बात है। तो जिसका जिसके साथ आपका टाइम मैच करे आप उसको उससे मिले और उसका टाइम वेस्ट करें, जिससे मैच नहीं करता ना उससे। अब ऐसे झूठ बोल के बुलाएंगे, अब किसी से मिलेंगे आप, तो बाद में ये होगा कि बंदा मन में गालियां देगा, ठीक है, ये कहते हैं मन की हाय पड़ती है, वो पड़ती है। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैंने कहा ठीक है तू कुछ मत बोल, ठीक है हम अपनी एक वैल्यू बना के रखनी है, तो तू गाली वाली मत दे, गाली लौशे मत आ, इसमें कुछ नहीं रखा, तो एक काम कर सीधे उसको लिख, मैं तुझे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तेरा, ना तू मेरा टाइम वेस्ट करेगा, और जैसा तूने मेरे साथ किया तेरे साथ भी वैसा ही हो जल्दी, तो शायद तुझे पता चलेगा। बस इतना लिखा, मैं ब्लॉक मार दे, ऐसे बंदे किसी काम भाई के ये नहीं तो है। धोखा देने वाली बात है ना भाई। तो ऐसा हो रहा है, और अगर कोई और भी कर रहा है आपके साथ तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।